न्यूज़ पीके के सभी दर्शकों का मैं नवीन विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, कोरोना के खराब दौर में शासन प्रशासन हम सभी को बचाने का प्रयास कर रहा है। हमारी अपील है कि नियमों का पालन करें और कोरोना से इस जंग में प्रशासन का सहयोग करें। फिलहाल वक्त है इस खास खबर का। मामला जनपद जालून के सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम निपनिया से सामने आया है, जहां एक घर में लड़की की गोद भराई का कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच वहां किसी ने अवैध तमंचे से फायर कर दिया। हर्ष फायरिंग करने का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए शादी समारोह वाले घर में दबिश दी और वहां से अवैध तमंचे के साथ आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए युवक के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त संदेश दिया है। हर्ष फायरिंग किसी भी हालत में नहीं होने दी जाएगी। सर, सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम निपनिया में एक हर्ष फायरिंग का अवैध तमंचे से वीडियो वायरल हो रहा है, क्या पूरा मामला है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, गोद भराई का कार्यक्रम था, एक लड़की गोद भराई का कार्यक्रम था निपनिया ग्राम थाना सिरसा कलार में, जिसमें वीर सिंह दोहरे नाम के लड़के का वीडियो बना है जो इलीगल वेपन से हवाई फायरिंग कर रहा था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, तमंचा पुलिस ने बरामद कर लिया। जालौन से देवेश कुमार सोनकार की रिपोर्ट।